नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन हमें मिलने जा रहा है। ट्राई सभी डीटीएच कंपनियों के साथ मीटिंग में लगी हुई है, लगातार उनकी मीटिंगें चल रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो डीटीएच की, उन सभी के साथ। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, हमने जो कंपनी का डिश खरीद लिया हम उसी में फंस जाते थे। अगर हमने किसी कंपनी का डिश खरीद लिया और वो वहां से हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली, जहां वहां के कस्टमर केयर वाले हमारी बात को नहीं सुन रहे थे, जहां हमारे बैलेंस वैसे ही कट रहा था, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कंपनियां अनदेखी कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमने 2000 रुपया खर्च कर दिया। 2000 खर्च करने के बाद उस कंपनी को हम छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ते हैं, जो हमारा सेट ऑफ बॉक्स है किसी भी कंपनी का है वो बेकार चला जाता था, वो किसी काम का नहीं। अगर हम दूसरी कंपनी में जाते थे तो वहां पर हमें एक नया सेट ऑफ बॉक्स लेना पड़ता था, 2000 रुपये वैसे ही खर्च करना पड़ता था जैसे हमने पहले सेट ऑफ बॉक्स पे किया। वो खर्च करने के बाद हम दूसरी कंपनी में वही मुश्किलें मिलती थी, वही डीटीएच कस्टमर केयर वाले हमारी बात नहीं सुनते थे, वही सारा कुछ ऐसे ही चलता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्राई ने नया रूल निकाल रहा है कि सभी डीटीएच कंपनियों को इकट्ठा करके उनसे बैठ के कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, मीटिंग करके हमें पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दे रहा है। अब हम अपने सेटअप बॉक्स को बिना बदले, चाहे हम किसी भी कंपनी में हों, वहां से हम बिना सेटअप बॉक्स बदले बस अपना नंबर ही पोर्ट करेंगे। अगर हम किसी भी कंपनी में हैं, वहां से हम दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। अब क्या है दोस्तों, अगर ऐसा पोर्ट जब भी ये शुरू होगा, स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम ट्राई को पोर्ट के लिए डालेंगे, मैसेज डालेंगे, तो ट्राई उस कंपनी से जिस कंपनी में आप हो वहां पर एक नंबर लेगी वहां से, जो हमें सेंड करेगी, ये आपका पोर्ट नंबर, आप पोर्ट कर सकते हो। तो पहले तो वो कंपनी ही सस्ते में आ जाएगी कि हमारा यूजर, हमारा कस्टमर हमारी कंपनी से अलग होना चाहता है, भी इसको क्या प्रॉब्लम है। जो अब तक सुनवाई नहीं हो रही थी, ये सुनवाई पोर्ट का नंबर जब हम मांगेंगे तब शुरू हो जाएगी, तो उनको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी है। तो वो कंपनी आपको कुछ पूछेगी कि आप क्यों पोर्ट कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहां पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, या आपको कुछ लुभावने मतलब कि ऑफर दिए जाएंगे, लालच दिया जाएगा भी आप ये ऑफर आपको मिलेगा, ये आपको ऑफर मिलेगा, आपको ये भी चीज दे देंगे, ऐसा ऑफर भी दिए जाएंगे जैसे ये पोर्ट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात, यहां पर जो भी कंपनियां हमने जो भी कंपनी का सेटअप बॉक्स लिया है, हमें भी मालूम है कि कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, जहां पर बिल्कुल सुनवाई नहीं है। मेरे पास भी कुछ उसका सेटअप बॉक्स है, वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं भी उसको छोड़ना चाहता हूं, पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं उसको छोड़ता हूं तो जो मैंने 2000 रुपये लगाया था वो बेकार जाएगा, नया लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन ट्राई अच्छा देने जा रहा है, ट्राई की लगातार बैठ के जा रही है। ट्राई ये कह रहा है कि शायद इस साल के अंत तक, नवंबर तक या दिसंबर तक हमें ये ऑप्शन दे देगा। उनकी सभी बैठ के, अगर सभी डीटीएच कंपनियां राजी हो जाएंगी, अगर क्या वैसे राजी तो होना ही पड़ेगा, उनको मानना ही पड़ेगा ट्राई का कहा हुआ। ये ऑप्शन हम सभी के लिए अच्छा है। अगर ऐसा होगा तो सभी कंपनियां, जितनी भी डीटीएच की कंपनियां, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो हर दर्शक की, हर कस्टमर की हर बात को मानेगी, उसको समझेगी और उसको वैसे ही सुविधा देगी। एक बात देखिए, ये ऑप्शन पोर्ट का ऑप्शन सिम कंपनी में भी है, जितने भी सिम है वहां भी है। जब भी कभी हम अपना सिम पोर्ट करते हैं तो वहां से कंपनी से कॉल आती है, भी आप क्यों करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, वो पूछती है हमसे। हम उनको प्रॉब्लम अपने बताते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो वहां पर कुछ तो उन पर एक्शन होगा ना, कस्टमर केयर के अधिकारी जो बैठते हैं, भी आपने उनको क्यों अच्छे से नहीं समझाया, वो कस्टमर हमें छोड़कर चला गया, ऐसा ही यही होगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक यू दोस्तों, एक बात और कर, ये नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।